दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 12th पास आउट करके IIM ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके 60% मार्क्स भी है 12th में। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट किया हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, आप IIM ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे फीस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी डिटेल में, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स क्या रहा है अभी तक इस कोर्स का। तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस और फैक्ट्स जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचाए। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करें कि अगर आप 12th पास आउट करने वाले हैं तो आप कैसे IIM ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली IIM अपनी मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए जाना जाता है, जो आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना होता है। इसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर एक रास्ता ऐसा भी है जिसमें आप 12th पास आउट होकर डायरेक्ट IIM ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ IIM इंदौर के 5-year इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो IIM इंदौर करवा रहा है, और इसमें आपको BBA प्लस MBA IIM इंदौर दोनों करवाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कोर्स के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बताया था, ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आप BBA प्लस MBA पढ़ेंगे। शुरू के 3 साल आप BBA से रिलेटेड कोर्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं शुरू के 3 साल, जो भी BBA के आपके फाउंडेशन कोर्स होता है BBA से रिलेटेड। इसके बाद जो लास्ट के 2 साल होते हैं उसमें आप MBA से रिलेटेड स्टडीज़ करेंगे, जिसमें आपके पास चॉइस दी जाएगी कि आपको कौन से फील्ड में MBA करना है, जैसे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, IT, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास दिए जाएंगे जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आपके चॉइस के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 5 साल में कोर्स पूरा कर लेते हैं, मतलब आप 5 साल में सारे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो आपको इंटीग्रेटेड डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट बाय IIM इंदौर प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपका BBA प्लस MBA डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th में और 10th में 60% मार्क्स कंपलसरी है, और आई थिंक हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स तो आ ही जाते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी तो आप क्लियर कर ही जाते हैं। तो अगर आप 10th और 12th में 60% मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है IPMAT। IPMAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी। अगर आप इन 2 सेक्शन को क्लियर करते हैं, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है और जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, अगर आप इस पेपर को क्लियर कर जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है IIM इंदौर में। देखिए दोस्तों अब फीस की बात करते हैं। सबसे पहले फीस इसकी जो है डोमेस्टिक स्टूडेंट यानी जो इंडिया के स्टूडेंट है उनके लिए है 28 लाख 5 साल के लिए, जिसमें आपका सारा कुछ इंक्लूडेड है, आपका रहने का, खाने का, बुक्स का, फीस का, एग्ज़ाम फीस का, सब कुछ इंक्लूडेड है 28 लाख रुपीज़ में। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की तो ये 39.5 लाख रुपीज़ है फॉर 5 ईयर्स। अब बात करते हैं, आप कई स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आएगा कि फ़ीस इतनी हाई है तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद IIM को ज्वाइन करते हैं तो भी फीस इसी के अराउंड आती है, मतलब 15 से 20 लाख रुपए आती है, जिसमें आपकी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूड होगी, मतलब यानी कि IIM से MBA इंक्लूड होगा, राइट। अब इसमें आपका BBA भी इंक्लूड है, MBA भी इंक्लूड है, और आपको ये भी झंझट नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आपको वापस से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और आप BBA प्लस MBA दोनों के लिए अपनी सीट जो है वहाँ पे एनरोल कर लेते हैं। देखिए फ़ीस की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसमें इसका एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है, पूरी फीस पर आपको लोन मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि हमने लोन भी ले लिया फिर चुकाएंगे कैसे। देखिए इसका जो एवरेज प्लेसमेंट जो अभी तक का गया है, 2011 से इस कोर्स की शुरुआत हुई थी तब से अब तक का जो एवरेज प्लेसमेंट है इसका 17 लाख रुपये गया है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 50 लाख भी गया है, 39 लाख गया है। तो आप देख सकते हैं प्लेसमेंट फिगर है जो काफ़ी अच्छा है, तो आपको 2-3 साल में ही आप पैसा कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता आपका नंबर आ जाए, और ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, उन सब की बातों को मत सुने दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना,
क्योंकि हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच के एग्ज़ाम को देते हैं, यार ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, मतलब इसको क्रैक करना मतलब बहुत मतलब मुश्किल काम है। अगर आप मुश्किल सोच के करेंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो आप इसको दे सकते हैं। आज का वीडियो इसी के बारे में था, कैसा लगा हमें बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।